तो सेगमेंटेशन क्या एक नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड है और इट सपोज द यूजर व्यू ऑफ मेमोरी। पेजिंग में क्या हो रहा था, पेजिंग में हम क्या सपोज कर रहे थे कि जो प्रोसेस है हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ पेजेस में स्टोर्ड है। क्या आप अपने प्रोग्राम को ऐसे व्यू करते हो क्या? आप प्रोग्राम या प्रोसेस को कैसे लेते हो, कैसे देखते हो कि उसमें अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे ऐड फंक्शन है, सब्स्ट्रैक्ट है, मेन फंक्शन है, एरेज यूज हो रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, ठीक है? तो आप प्रोग्राम को हमेशा सेगमेंट्स के फॉर्म में देखते हो, यूजर जो है अपने प्रोग्राम को सेगमेंट्स के फॉर्म में देखता है। जैसे इसमें 4 सेगमेंट्स है तो ये सेगमेंट 0 हो गया, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। क्या सभी की साइज फिक्स होती है क्या? पेजिंग में क्या कह रहे थे, फिक्स साइज के पेजेस हैं। क्या सेगमेंट्स जो हम प्रोग्राम देखते हैं क्या उसमें फिक्स साइज के फंक्शंस होते हैं क्या? किसी में कोडिंग ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो यूजर जो है अपने प्रोग्राम को हमेशा स्मॉल सेगमेंट्स के फॉर्म में देखता है और जो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। तो इस यहाँ पर हम यही कर रहे हैं सेगमेंटेशन में कि जो यूज़र प्रोग्राम को जिस तरह से देखता है उसी फॉर्म में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि इट सपोज द यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी इन सेगमेंटेशन। लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए सिंगल प्रोसेस इज डिवाइडेड इन सेगमेंट्स ऑफ वेरिंग साइज। सभी की क्या होगी, अलग अलग साइज होगी, दैट मे बी प्लेस्ड इन नॉन कंटिग्यूअस एरिया ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो यहाँ पर यूजर व्यू को ही सपोर्ट किया जा रहा है कि जो प्रोग्राम है यानी कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसको हम सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे ऑफ डिफरेंट साइजेस में, जो कहाँ पर स्टोर होंगे, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में, मेन मेमोरी की। सेगमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट वर्क्स वेरी सिमिलर टू पेजिंग, बट हेयर सेगमेंट्स आर ऑफ वेरिएबल लेंथ, वेयर एज इन पेजिंग पेजेस आर ऑफ फिक्स्ड साइज। तो सेगमेंटेशन भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ सेगमेंट टेबल यूज होगा, पेजिंग में पेजेस जो थे वो फिक्स साइज के थे, लेकिन यहाँ पर जो सेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल लेंथ के होंगे। ईच सेगमेंट इज असाइंड अ यूनिक सेगमेंट नंबर, और हर सेगमेंट को एक यूनिक सेगमेंट नंबर दिया जाएगा। द मेमोरी मैनेजमेंट इज डन थ्रू अ सेगमेंट टेबल विच इज इंडेक्स्ड बाय सेगमेंट नंबर। अब यहाँ पर पेज टेबल नहीं यूज होगा, जैसे पेजिंग में पेज टेबल यूज होता था, यहाँ पर क्या यूज होगा, सेगमेंट टेबल। वहाँ पर पेज टेबल को किससे इंडेक्स किया जा रहा था, किससे फाइंड आउट किया जा रहा था उसकी एंट्री, पेज नंबर से। यहाँ पर किससे फाइंड आउट की जाएगी एंट्री, सेगमेंट नंबर से। तो जो किससे इंडेक्स्ड है सेगमेंट टेबल, सेगमेंट नंबर से। तो ईच एंट्री इन सेगमेंट टेबल कंसिस्ट ऑफ बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट एंड साइज ऑफ सेगमेंट, ठीक है? बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट कि वो सेगमेंट जो है फिजिकल मेमोरी में कहाँ से स्टोर होना स्टार्ट हुआ, जैसे सेगमेंट 0 है तो सेगमेंट 0 यहाँ पर स्टोर हुआ है। तो सेगमेंट 0 कहाँ से, सपोज 1200 मेमोरी लोकेशन से स्टोर होना स्टार्ट हुआ और इसकी साइज सपोज 50K है, तो ये क्या हो जाएगा, 1250, ठीक है? तो जो सेगमेंट के अंदर कोड है वो कंटिग्यूअस स्टोर होता है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट अलग अलग स्पेस पे स्टोर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेगमेंट 1 है, ये सपोज 1300 मेमोरी लोकेशन पे, और ये सपोज 10K का है, तो ये 1310 हो जाएगा। तो सेगमेंट टेबल के अंदर क्या होगा कि वो सेगमेंट कहाँ से स्टोर होना स्टार्ट हुआ, उसकी बेस एड्रेस क्या है वो, और उसकी साइज क्या है सेगमेंट की, ये दो एंट्रीज रहेंगी। भी सेगमेंट को आप सर्च कर रहे हो, उस सेगमेंट की क्या बेस एड्रेस है और उसकी साइज क्या है, वो हमें किससे मिल जाएगी, सेगमेंट टेबल से। अब अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें सेगमेंटेशन की, मैं अब ये यहाँ पर फिगर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसकी थ्योरी ओन वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि कैसे सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा और कैसे वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होगी यूजिंग सेगमेंट टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर क्या होगा कि जो सीपीयू होगा वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा जिसमें सेगमेंट नंबर होगा और ऑफसेट। सबसे सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया उस सेगमेंट नंबर से, सेगमेंट टेबल से हमें क्या मिल जाएगा, उसकी बेस एड्रेस और उसकी सेगमेंट की साइज। अब जो सेगमेंट की साइज है और जो ऑफसेट है उनमें कंपैरिजन होगा। जो ऑफसेट है वो हमेशा साइज ऑफ सेगमेंट से लेसर होना चाहिए, वो आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज सेगमेंट जो है उसमें 10 लाइन्स हैं, उसमें 10 वर्ड्स हैं, तो जो वैल्यू होगी वो 10th तक ही होनी चाहिए। आप 11th वाले ऑफसेट को एक्सेस कर सकते हो क्या, है ना? यहाँ पर 10 ऑफसेट्स हैं यानी 10 वर्ड्स हैं, तो अगर आप 11 वाले वर्ड को एक्सेस करना चाहोगे तो कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, तो एरर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो साइज ऑफ
सेगमेंट है, अगर इसकी साइज 10 है तो इसमें 10 वर्ड्स ही होंगे। तो जो आपने ऑफसेट जनरेट किया है वो साइज ऑफ सेगमेंट से लेसर होना चाहिए। अगर आपने उससे बाहर की कोई, उससे बाहर का कोई ऑफसेट जनरेट किया है तो एरर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सेगमेंट नंबर से हमें बेस एड्रेस और क्या मिल गई, सेगमेंट की साइज। ऑफसेट को कंपेयर करेंगे सेगमेंट की साइज से कि वो लेसर है कि नहीं, अगर लेसर नहीं है तो एरर दे देंगे हम, और अगर लेसर है तो क्या होगा, ऑफसेट और बेस एड्रेस जो होगी सेगमेंट की, बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट को ऐड कर देंगे ऑफसेट के साथ तो हमें क्या मिल जाएगी, फिजिकल एड्रेस। ये मैं न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बताऊंगी क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आता है कि कैसे लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होती है सेगमेंटेशन में। पर एस सेगमेंट नंबर है, डी ऑफसेट विद इन सेगमेंट है, बी बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट है, और जेड क्या है, साइज ऑफ सेगमेंट है।